जब नवंबर 1928 में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स हेयस कोर्ट के ऑर्डर पर लाठीचार्ज किए जाने के बाद लाला लाजपत राय की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला लेने की कसम खाई। फिर भगत सिंह व राजगुरु ने गलत पहचान के चलते असिस्टेंट एसपी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वे लोग कई महीनों तक फरार रहे। फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने विरोध करने के लिए सेंट्रल असेंबली में दो बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अरेस्ट हो गए, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई और राजगुरु को लाहौर बम फैक्ट्री से अरेस्ट किया गया। बाद में 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को जोंडर्स मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का ऑर्डर 24 मार्च 1931 का था, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। आज के दिन को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए इस पेक्सन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।